मैं हूँ आपकी होस्ट मैं बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक से रिलेटेड है और असूली तौर पर मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिलीजियस इशू है और रिलीजियस कंटेंट पे बात करना थोड़ा सेंसिटिव होता है, चूँकि लोग इसके लिए लेके इमोशनल होते हैं। लेकिन इन्होंने इस वीडियो में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को मतलब एक तरह से कैप्शन किया है अपने टाइटल में कि ये वीडियो जस्ट फॉर मुस्लिम्स है। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये इनके कौन से सवाल हैं, चूंकि ये बंदा जो है वो जफर एक्स मुस्लिम जफर इनके नाम से यूट्यूब चैनल है जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। तो मैं इनके सवालों को जरूर सुनना चाहूंगी और हो सकेगा तो इसका जवाब देने की कोशिश करूंगी, वरना इट्स बेटर कि कोई मजहबी स्कॉलर इसके आंसर करे। सो लेट्स टेक द वीडियो। एक मैसेज दुनिया के मुसलमानों के लिए। आदाब अजीज भाइयों, मैं हूं जफर, एक एथीस्ट, एक इंसान और एक फ्री थिंकर। मुफ्ती और मौलानाओं के खुतबे तो आपने बहुत सुने होंगे, आज एक मुलहिद के ख्यालात भी सुन लीजिए। मेरी बाकी वीडियोस शायद आपको हर्ट करें, इसलिए ये स्पेशल वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। इस वीडियो में हम बेसिक बातें करेंगे और इस्लाम को कुछ लॉजिकल और इंसानियत के तराजू पर तोलेंगे। आपसे गुजारिश है कि कुछ वक्त देकर आज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज आप सभी से बात करनी है ताकि आप मेरा नजरिया समझ सकें। सबसे पहले तो मैं कोई शैतान नहीं जो आपके ईमान को खा जाए, मैं कोई बेईमान नहीं जो ईमान का सौदा करे, मैं यहूदियत या क्रिश्चियनिटी या हिंदुत्व का एजेंट भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो हक की बात करता है, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो ईमान का सही मतलब समझाना चाहता है, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो इंसानियत का मतलब समझाना चाहता है। आज मैं कोशिश करता हूं आपके कुछ सवालों के जवाब देने की जो अक्सर मेरे मन में भी होते थे जब मैं आपकी तरह एक पक्का ईमान रखने वाला मुसलमान था, और जब किसी को इस्लाम के खिलाफ बोलते देखता था तो सोचता था कि क्या जरूरत है किसी मजहब के खिलाफ बोलने की, सबको अपना अपना मजहब फॉलो करने दो, क्यों नफरत फैला रहे हो किसी मजहब की कमियां दिखाकर, कमियां तो सभी रिलीजन्स में हैं। अक्सर ये सवाल मैं भी पूछता था और आज इसका जवाब देना चाहता हूं। इंसान की अच्छाई कोई मजहब तय नहीं करता, आप जो अपनी परवरिश में पाते हो वही आपका नेचर होता है, वहीं से आपको अच्छाइयां या बुराइयां मिलती हैं, और ये इंसान ही नहीं जानवरों में भी मिलती हैं। अगर अच्छाई का रिश्ता मजहब से होता तो हमें जानवरों में अच्छाई ना दिखती, क्योंकि वो किसी भी मजहब को नहीं मानते। और फिर इसकी दूसरी सबसे बड़ी दलील यह है कि क्या दुनिया में सारे गुनाह करने वाले किसी मजहब के नहीं होते? बेशक होते हैं, और बल्कि इसके उलट गुनाहगारों में मुलहिद कम ही होंगे, क्योंकि मुलहिद जानता है कि एक ही जिंदगी आपको मिलती है और गुनाह का कफारा अदा नहीं किया जा सकता। इस्लाम की कमियों के खिलाफ मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये कमियां इंसानियत के खिलाफ हैं। मैं नहीं कहता कि दुनिया के सारे मुस्लिम भाई तीन तलाक जैसी इस्लामिक बुराई को करते हैं, लेकिन जितने भी करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है और दावा करता है कि ये खुदा का हुक्म है। नाइंसाफी को खुदा का हुक्म बताकर जायज ठहराना गलत है। दुनिया में जितनी भी बहनें इसे झेलती हैं उनकी तकलीफ को याद करो। क्या आप चाहोगे कि आपकी बहन या बेटी को उसका हस्बैंड तीन तलाक देकर हलाला करवाए? कल को आप ही गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दें, या आप अगर कोई मोमिना हैं तो क्या पता आपका हस्बैंड ही गुस्से में तलाक दे दे। तो क्या हलाला जैसे गंदे रास्ते के अलावा कोई और रास्ता है आपके पास? नहीं तो हम क्यों नहीं आवाज उठाते इस बुराई के खिलाफ? इस्लाम गुलाम औरतें बनाकर उनका रेप करने को जायज ठहराता है। हालांकि आपकी नजर में यह गलत होगा, लेकिन केवल तब तक जब तक आपको पता ना हो कि यह इस्लाम का हिस्सा है। हालांकि आप किसी मुफ्ती या मौलाना से ये सवाल करेंगे तो वो आपको यही कहेगा कि ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर का ट्रीटमेंट है, उन्हें वही खिलाया या पहनाया जाता था जो कि मुस्लिम लड़ाके खुद खाते और पहनते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी को गुलाम बनाना फिर भी जायज होगा? मेरी बहुत वीडियो में मैंने मुफ्ती मौलानाओं के दावे डिबंक किए हैं और इस्लामिक स्लेवरी को ठीक से एक्सप्लेन भी किया है, आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं। फिर वही एक सवाल आकर उठ जाता है कि इस्लाम की स्लेवरी अगर ठीक है तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी माँ या बहन के साथ कोई ऐसा करे?
भले ही वो खाने को अच्छे से अच्छा खाना और पहनने को अच्छे से अच्छे कपड़े दे, मगर हैसियत गुलाम वाली, जिसके साथ कभी भी रेप किया जा सकता है और कभी भी बाजार में बेचा जा सकता है। बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं कि मैं नफरत फैला रहा हूं। नफरत फैलाना तो उसे कहते हैं जब एक इंसान को दूसरे के खिलाफ भड़काया जाए। मेरे चैनल पर हमेशा ये बात सबसे पहले कही जाती है कि मुसलमान बुरे नहीं हैं। इस्लाम एक मजहब है जिसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन उसकी वजह से ये कहना कि मुसलमान बुरे हैं, ये गलत है। इंसानियत को मानने वाला इंसान कभी नफरत नहीं फैलाएगा, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि नफरत तो इस्लाम फैलाता है तो ये ज्यादा सही बात है। कैसे, आइए समझते हैं। इस्लाम में आपको काफिरों से नफरत सिखाई जाती है, इसके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं और आपने इसे महसूस भी किया होगा। भले ही आपके घर वाले और आप इस मामले में अलग ख्यालात वाले हों, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों या दोस्तों में कहीं ना कहीं इस बात को महसूस जरूर किया होगा। यहूदियों के लिए नफरत, मुलहिदों के लिए नफरत, गाने बजाने के लिए नफरत, औरतों की तरक्की से नफरत, आज़ाद ख्याली से नफरत, ये गुलामी, ये नफरत, ये खुदा का कलाम कैसे हो सकता है? खुदा का कलाम तभी खुदा का हो सकता है जब वो हर किसी को बराबर समझे, क्योंकि अगर वो है और उसने बनाने में कोई फर्क नहीं किया तो वो हक के मामले में भी फर्क नहीं करेगा। इसलिए हमें इसकी बुराइयों के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा और हर रिलीजन्स की बुराई के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। यही आज की जरूरत है और यही इंसानियत की आवाज है। एक और सवाल था जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं, और एक वक्त मैं भी यही सोचता था, रिलीजन्स के रूल्स लोगों को बांधे रखते हैं अच्छा काम करने के लिए। जफर, तुम गलत कर रहे हो उन्हें दीन से भटकाकर। जी नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। अगर आप इस्लाम की जन्नत के हूरों के लालच या दोजख की आग के डर से अच्छे हो तो आप सचमुच अच्छे इंसान नहीं हो, क्योंकि अच्छा इंसान तो वो होता है जो बिना किसी डर या लालच के अच्छा हो, जो बिना किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट के इंसानियत को माने। और मैं लोगों को भटका नहीं रहा, बल्कि उन्हें सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूं, क्योंकि भटके हुए तो वो मजहब की वजह से हैं। यहां मजहब अगर हमें गलत की पहचान सिखाता है तो वही मजहब गुनाह करने के बाद उस गुनाह से पाक होने का रास्ता भी देता है। जैसे कत्ल करके कफारे के तौर पर एक गुलाम आजाद कर दो, रमजान में खुदा को दिल में बसाकर रोजे रख लो तो पिछले सब गुनाह माफ, कसम खाकर उससे बेहतर कुछ लगे तो कसम तोड़ दो, कफारा अदा कर दो। अरे क्यों भाई, ऐसे कैसे आपके बड़े बड़े गुनाह माफ हो जाएंगे? गलती के बाद इंसान के अंदर एक गिल्ट होता है, वो गिल्ट तो खुदा ने माफ करके छीन ही लिया। अब इंसान फिर गलती पर गलती करेगा और फिर से माफी मिल जाएगी, तो क्या जरूरत है हमें ऐसे कायदे कानूनों की जो हमें फिर से गलती करने का मौका देते हैं? दूसरी तरफ अगर आप इंसानियत को देखें तो ये आपको दूसरा गुनाह करने का मौका नहीं देती, ये आपके दिल में गिल्ट डाले रखती है ताकि आप दोबारा गलती ना करें। तीसरा सवाल, अगर आपकी बात मान भी लें तो कैसे पता लगाओगे कि कौन सा काम इंसानियत का है? मजहबी तो बताता है कि क्या गलत है क्या बुरा। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अच्छाई इंसान में मजहब से आती है। अच्छाई का सबसे बड़ा रूल यह है कि दुनिया के साथ उस तरह से पेश आइए जिस तरह से आप चाहते हो कि दुनिया आपसे पेश आए। मसलन, आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपको धोखा दे या आपसे बदतमीजी से पेश आए, तो फिर आप भी किसी को धोखा नहीं दें ना बदतमीजी से पेश आए। आप नहीं चाहोगे कि कोई आपका या आपके अपने का कत्ल करे, तो आप भी ना करें। आप चाहते हो दुनिया आपसे ईमानदारी और खुशी खुशी पेश आए, तो आप भी वही करो। बस यही इंसानियत की डेफिनेशन है। आपके ज्यादातर मसले यहीं से हल हो जाते हैं, और जबकि इस्लाम मजहब को फॉलो करते हैं तो बिना वजह के मसले आपको मिलते हैं। किस दिन बाल कटवाएं, किस दिन नहाएं, किस दिन घूमने जाएं, टॉयलेट जाने की दुआ, बीवी से हमबिस्तरी की दुआ, क्या मतलब इन चीजों का? जो काम आपको जब करना ठीक लगे तब करो। ये मसले वक्त की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। चौथा सवाल, बड़ी इंसानियत की बातें करते हो, इस्लाम ही इंसानियत का मजहब है, अगर इसे सब कबूल कर लें तो दुनिया बेहतरीन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये वो ख्याली सोच है जो हमारे दिमाग में इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमें बचपन से इस्लाम की मोहब्बत होती है। इसे हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए चाहते हैं कि दुनिया इसे अपना ले। लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि जितनी दुनिया ने इसे अपनाया है वो कितनी खुश है इसे अपनाकर? दुनिया में 30 मुल्क ऐसे हैं जहां पूरी तरह से इस्लाम नाफिज है,
जबकि हैप्पी इंडेक्स में देखा जाए तो यही मुल्क लिस्ट में बहुत नीचे नजर आते हैं। अगर इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतर मजहब होता जैसा कि आपको लगता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश लोग भी इसी मजहब के होते, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि उन मुल्कों के लोग दुनिया में सबसे खुश हैं जहां लोग किसी मजहब को नहीं मानते। पांचवा सवाल, इस्लाम में अगर बुराइयां हैं तो क्या हुआ, अच्छाइयां भी तो हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि अच्छाइयों की बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहली बात तो इस्लाम अच्छाई सिर्फ आपसी भाईचारे के लिए ही सिखाता है, दुनिया के सभी लोगों को साथ लेकर नहीं चलता। इस पर मैं कभी पूरी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए एक एग्जाम्पल यह है कि इस्लामिक मदद यानी सदका, जक़ात और फितरा, ये कभी भी नॉन मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता, चाहे आपके पास गरीब मुसलमान रहता ही ना हो। तो क्या फ़ायदा ऐसी अच्छाई का जो दुनिया में सबके लिए ना हो, जबकि आप ये भी मानते हो कि बाकी लोगों को भी उसने ही बनाया है और उन्हें गैर मजहब में पैदा करने वाला भी वही है। दूसरी बात, अगर फिर भी आपको अपनी परवरिश की वजह से ऐसा लगता है कि इस्लाम सभी के लिए अच्छाई करने को कहता है, तो मान भी लें एक बार को, तो क्या फ़ायदा ऐसी मजहबी अच्छाई का जो मजहबी बुराई के साथ आती हो? मतलब वही बीवी की पिटाई, 3 तलाक, हलाला, नफरतें। इसलिए बेहतर होगा कि इस तरह की मुनाफिकत से दूर रहा जाए। छठा सवाल, तो फिर ये बताओ कि खुदा है या नहीं, ये दुनिया कैसे चल रही है अगर खुदा नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं नहीं चाहता कि यहां पर वो जवाब दिया जाए जो ज्यादातर लोगों को समझ ही ना आए। तो आसान जवाब है कि इंसान दिमागी तौर पर इतना ताकतवर होता है कि उसे किसी कागजी खुदा की जरूरत नहीं होती, जो उसे ये झूठी तसल्ली तो दे सकता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। जो भरोसा आप खुदा पर रखते हो वो अगर आप खुद पर रखो तो जिंदगी ज्यादा कामयाब होगी। या फिर भी मैं एक रास्ता उन लोगों के लिए देता हूं जो मानते हैं कि खुदा पर भरोसा करने से उन्हें बहुत ताकत मिलती है और वो उसके तसव्वुर को झुठला नहीं सकते। तो मानिए खुदा को, लेकिन उस खुदा को जो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, जो अच्छे बुरे की सीख के लिए किताबें नहीं देता बल्कि समझ देता है। उसे तुम्हारी इबादत नहीं चाहिए, चापलूसी नहीं चाहिए और ना ही तुमसे किसी मासूम जानवर की कुर्बानी चाहिए। उसने तुम्हें सब कुछ दिया है, अंधेरा दिया है तो रोशनी भी दी है, दुख दिए हैं तो खुशियां भी दी हैं, आंसू दिए हैं तो मुस्कराहटें भी दी हैं, बुरे हालात दिए हैं तो उन हालात से लड़ने की ताकत भी दी है। किसने रोका है? मानिए एक ऐसे खुदा में जो किसी और इंसान के जरिए तुम्हें नहीं मिलेगा बल्कि तुम्हारे अंदर मिलेगा। बस ये ध्यान रखना कि इस खुदा को किसी मजहब से मत जोड़ना, वरना वहीं आकर रुक जाओगे जहां से चले थे। सातवां सवाल, क्या होगा अगर इस्लाम वाला खुदा ही सच्चा खुदा हुआ, क्या जवाब देंगे उसे? ये ऐसा सवाल है जो बहुत टाइम तक हमारे पीछे पड़ा रहता है और उसका रीजन है डर। ये वही डर है जिसकी वजह से एक इंसान एक मजहब को फॉलो करता है। जरा सोच कर देखो, अगर इस्लाम सच्चा मजहब है तो दुनिया में आप ही इतने तकदीर वाले कैसे हो गए कि एक सच्चे मजहब में पैदा हुए? उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचो जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए। ये रिलीजन्स का पॉपुलेशन वाइज चार्ट है, जिसमें सबसे ऊपर क्रिश्चियंस हैं 31% और उसके बाद इस्लाम 24%। अगर इस्लाम के खुदा को सच्चा खुदा मान भी लिया जाए तो ये कैसा खुदा है जिसने 76% लोगों को काफिर के घर पैदा किया? इतनी गुमराही फैलाने वाले खुदा को कोई हक नहीं आपसे सवाल करने का कि आपने उसके मजहब को क्यों छोड़ा। इसके अलावा औरतों को गुलाम बनाने को कहने वाला खुदा सच्चा खुदा हो ही नहीं सकता। जब भी ये सवाल मन में उठे तब याद करना उन लाचार माओं को जिनके बच्चे मार दिए गए या गुलाम बना लिए गए, उन बदकिस्मत बीवियों को जिनके शौहर मार दिए गए और उन्हें गुलाम बनाकर नबी की फौज में बांट दिया गया। ये सारी बातें दावे नहीं बल्कि हकीकत हैं। यकीन ना हो तो मेरी सीरीज बनू कुरैजा भी देख सकते हैं जिसमें सिर्फ इस्लामिक रेफरेंसेस ही लिए गए हैं। तो ये थे कुछ सवाल और उनके जवाब जिनके जरिए आपकी गैरत जगाने की कोशिश की गई है। ईमान वो नहीं
जो आपकी ईगो में बसता है, उस सोच में बसता है कि मेरा मजहब गलत कैसे हो सकता है। बल्कि ईमान तो वो होना चाहिए जो गलत को गलत कहने की ताकत रखता हो। तो बाहर आइए उस डर से जो कई नस्लों से आपके मन में बैठा है, जो आपको मौत के बाद के फायदों के लालच देता है और सुकून से जीने नहीं देता, और जो उसी मौत के बाद की अज़ियतों का डर दिखाकर चैन से मरने भी नहीं देता। अच्छाई आपको पुरानी किताबें नहीं सिखा सकती, क्योंकि पुरानी किताबों की बातें वक्त के साथ पुरानी होती जाती हैं। ना ही अच्छाई किसी किताब की मोहताज होती और ना ही इंसानियत किसी मजहब की मोहताज होती। तो मजहबी किताबों को नहीं, साइंस की किताबों को वक्त दीजिए ताकि इंसानी कौम का फायदा हो, और आपकी औलादें जब आपको याद करें तो आपके एक अच्छे फैसले के लिए याद करें। उन्हें अंधेरा नहीं रोशनी दें, मजहबी अंधापन नहीं इंसानियत की आंखें दें। तो आगे आए अंधेरे से रोशनी की ओर, इंसानियत की ओर। इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत हाफिज। मैंने इनकी पूरी 16 मिनट की जो वीडियो है मैंने देखी है, और इनके कुछ सवाल थे जिस पे इन्होंने बातचीत की। शुरू से शुरू करते हैं इस बंदे के बारे में, क्योंकि ये इसका कोई रिलीजन नहीं है, मतलब एक वो आस्तिक हाँ वो है ये तो। और ये एक्स मुस्लिम है, इनका नाम जफर है, और अब ये इनका कोई मजहब नहीं है। तो इन्होंने कुछ सवाल थे जो इन्होंने किए और उन पर इन्होंने बात करते हैं। तो खैर जहाँ तक मुझे, चूँकि मैंने ये पहली वीडियो है इनकी देखी है, और जहाँ तक इनके मैंने ओपिनियंस सुने, जो इनके ख्यालात हैं वो काफ़ी बागियाना किस्म के ख्यालात हैं, और इनका ज़रूर किसी ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ था, किसी ऐसी मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ था जो बहुत ज़्यादा रेडिकल अप्रोच रखती थी, मतलब एक्सट्रीम किस्म की जो अप्रोच थी ना उनसे ताल्लुक़ इनका था। जिस तरह की इन्होंने बात की कि इस्लाम जो है वो लौंडियाँ रखता था, और उनके साथ वो मतलब कभी भी किसी भी टाइम उनके साथ रेप किया जा सकता था, ये है वो। और फिर उन्होंने बताया कि ये जंग के दिनों के जो थी वो प्रिजनर ऑफ वॉर के का उन्होंने बोला कि उनके हिसाब से था ये बात। तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि इस्लाम ने आपको, जिस तरह के मैंने एक कल वीडियो पर रेक किया था उसमें क्षत्रिय धर्म के असूल थे तो हिंदुइज्म के अंदर, तो इट्स अप टू यू कि आप उनमें से कितने रूल्स को मानते हैं और कितने रूल्स को नहीं मानते। इस्लाम ने ये कहा कि जो जंग में जो लोग बाकी बच जाते हैं उनके साथ रहम करो, उनको गुलामों को आज़ाद करने को कहा, और अगर आप उनके साथ रहते हैं, आपके पास रहते हैं, तो आप उनके हकूक़ का ख्याल करें। अगर आप इतने वाइल्ड एनिमल हैं कि आप उनके साथ अब्यूज़ कर रहे हैं तो ये इट्स अप टू यू। इस्लाम ऐसा नहीं कह रहा कि आप, वही बात है कि कल मैंने जब एक वीडियो पर रिएक्ट किया स्वामी जी की और श्री कृष्णा की लाइफ के लेसन से, तो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सुहेल नाम है उनका, तो वो मुझे कमेंट करते हैं, मतलब उस बंदे का मसला ये है कि वो बंदा, अगर मैं इंडिया के किसी कंटेंट पे रिएक्ट करती हूँ तो उसको ऐसा लगता है कि मैं एंटी पाकिस्तान हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ हूँ मैं, तो वो मुझे उस पर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। और अगर मैं इस तरह का कोई नॉलेजेबल टॉपिक उठा लेती हूँ तो, अगर जैसे कि मुझे जानना है हर मजहब के बारे में, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप ना जाने किसी मजहब के बारे में, तो अगर मैं जान रही हूँ तो उसको ये लगता है कि मैं मुनाफिक हूँ और मैं पता नहीं क्या हूँ। तो उसके बाद भी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि आप अपनी फिक्र करेंगे, आपने कहाँ जाना है या आपका क्या है, इनका जो होगा वो खुद डिसाइड कर लेगी। तो मैं अपने सब्सक्राइबर की बात से फुली एग्री करती हूँ, अगर आप लोगों की बात को माना जाए तो मेरा चेहरा नजर आ रहा है, मेरे सर के बाल नजर आ रहे हैं, मेरे बाजू नजर आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू कि मैं ये सब के सब जहन्नुम में जलेंगे और मैं जहन्नुम में जाऊँ, तो मुझे जन्नत में जाना है, मुझे जहन्नुम में जाना है, इट्स टोटली अप टू मी कि मुझे कहाँ जाना है या मेरा कल को क्या होगा, आप अपनी फिक्र करें। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में ये बात बहुत ज्यादा देखी जाती है कि उनको दूसरों की आकबत की अपनी आकबत से ज्यादा फिक्र होती है कि दूसरों को क्या बनेगा, जबकि वो खुद गलतियां कर रहे होते हैं। उसके अलावा जहां तक बात है कि तलाक, तीन तलाक की बात है,
तो पहली बात तो ये कि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ वहाँ ये 3 तलाक होती ही नहीं है ऐसे, जिससे में कोई अमल किया गया वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मुस्लिम मोस्टली सुन्नी कम्युनिटी में ऐसा होता है और वहाबी देवबंदी में कि वो यूँ तलाक 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 बोलते हैं और वह तलाक हो जाती है। अगर ऐसे वो तलाक देते हैं ये बहुत बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अल्लाह ताला तलाक को सख्त सख्त नागवार किस्म का अमल है, तलाक देना बहुत बुरी बात है और बहुत इनके जमीन कांप जाती है इस अमल से, मना किया गया, लेकिन अगर फिर भी जरूरत पड़ती है, अगर आपकी नहीं बनती, ये एक वे है कि आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको रॉन्ग इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसको गलत वे में यूज करते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू, आप उसको रिलीजन से उसको मजहब से लिंक नहीं कर सकते। और उसके अलावा जहां तक बात है हलाला की, तो एक इंसान आपको डिग्रेड करता है और आपको ह्यूमिलेट करता है कि वो आपको तलाक देता है कि उसके लिए आपकी इतनी सी भी वर्थ नहीं है और आप दोबारा उसका हलाला करते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इतने शेमफुल हैं कि आपके अंदर जरा सी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि आप हलाला कर लेते हैं। आपको उस बंदे की तरफ जिंदगी भर देखना ही नहीं चाहिए अगर मुझसे मेरी को राय पूछे, लेकिन अगर आप ऐसा करते तो इस्लाम ने उसको एक वे दिया, आप ना उसको एक्सेप्ट करें। जब उस इंसान ने आपको तलाक दे दिया आप किसी और इंसान से शादी कर लें, क्या पता आपको उससे बेहतर इंसान मिल जाए, आप उसकी तरफ जाए क्यों रहे। और मेरी कम्युनिटी में हलाला होता ही नहीं है, तो ये भी आपकी अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है कि आप इसको कैसे वो करते हैं। जहां तक बात है कि मजहब की, कि उन्होंने 76% लोगों को काफिर पैदा किया, और ये अल्लाह ताला ने कभी किसी इंसान को काफिर नहीं कहा। और जहां तक आमिर खान की मूवी में वो जो थी पीके, उन पीके थी नो पीके नहीं थी जिसमें वो गॉड, हाँ पीके ही थी शायद, तो उसमें उन्होंने बोला था कि थप्पा कहाँ लगा हुआ है, कहाँ पता चलता है कि कौन सा रिलीजन, इंसान को अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया, कौन सा रिलीजन को वो फॉलो करेंगे ये हम लोग डिसाइड करते हैं। मतलब मुस्लिम के घर में मुस्लिम बच्चा होगा तो वो मुसलमान होगा, हिंदू के घर में बच्चा होगा वो हिंदू होगा, वो हिंदू ही रहेगा, ईसाई के घर में बच्चा होगा वो ईसाई होगा। हम माँ बाप चूज करते हैं कि हमारे बच्चों का रिलीजन क्या होगा। अगर हमारा बच्चा, एक मुसलमान का बच्चा किसी हिंदू के घर में रहना चला जाए, वहां पलना शुरू हो जाए, या उसकी उसको बचपन से उसकी ग्रूमिंग वहां होना शुरू हो जाए, तो वो उनकी तालीमात को मानना शुरू कर देगा। तो नेचर के अंदर जब अल्लाह ताला ने इंसान की खलकत की तो उसके अंदर कोई भी रिलीजन नहीं रखा गया, तो ये बात कहना गलत है कि अल्लाह ताला ने उनको काफिर बनाया। ये आप तो मुसलमानों में भी काफिर बना देते हैं, तो मतलब जैसे मैंने एक सब्सक्राइबर मेरे कमेंट किया, उन्होंने कहा कि सुनियों के लिए दियोबंदी गलत है, दियोबंदी के लिए बरेलवी गलत है, और ये तीनों मिलके कहते हैं कि शिया गलत है, और ये चारों मिलके कहते हैं कि अहमदी गलत है, और काफिर बना देते हैं। तो हम तो बचपन हम तो है ही काफिर, मुस्लिम शिया काफिर हैं, उसके अलावा अहमदी काफिर है, उसके अलावा जिसको भी आप काफिर कहते हैं। तो जब आपकी अपनी कम्युनिटी के अंदर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, आपने उनको अल्लाह ने तो उनको मुसलमान ही रखा, अपने मुसलमानों को भी अंदर से काफिर कर दिया, तो इसमें अल्लाह का तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या करते हैं, तो ये भी आपके अपने ऊपर है। और जहां तक किताबों की बात है कि पुरानी किताबों से हासिल नहीं होगा, तो आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जो खुली गीता का नॉलेज रखते हैं और वेदास का नॉलेज रखते हैं और उसको एज इट इज मानते हैं। बहुत कम परसेंट लोग ऐसे होंगे जो खुली नॉलेज रखते होंगे, या कितने परसेंट लोग हैं जो खुली कुरान पढ़ते हैं। नॉलेज की बात हो रही है, पढ़ना और चीज है और नॉलेज होना और चीज है। कितने लोग हैं जो एक्चुअल जो कुरान की मीनिंग है उनको समझते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं, उसको मानते हैं। कितने परसेंट लोग हैं दुनिया में जो एक्चुअल जो असाइयत की जो किताब है वो बाइबल उसको पढ़ते हैं और उसको मानते हैं। वो एक गाइडलाइन है असल में, बेसिकली वो हमें बस सिखाती है कि जिस तरह के उसकी उनके अंदर मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि गीता के चैप्टर 2 में है कि आपने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है थ्रू मेडिटेशन के थ्रू ना, और उसके अलावा आपने धर्मा क्या है, धर्म क्या है, गीता में ये सिखाया गया है। लेकिन जैसे कि मैंने कल अपनी वीडियो में रिएक्ट किया था, और श्री कृष्णा की वीडियो थी, उन्होंने बोला जब करण को कि तुम इसके ऊपर अटैक करो, तो उन्होंने कहा कि ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। तो देन लॉर्ड कृष्णा ने उसको बोला कि जब कल जो उनकी द्रौपदी के साथ बदतमीजी हुई थी, उसको ह्यूमिलेट किया गया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। तो असल बात यह है कि रिलीजन गलत नहीं होते, हम लोग गलत होते हैं, हम लोग अपनी एक्सट्रीमिस्ट सोच की वजह से उसको गलत कहते हैं। आप उसको रिलीजन से लिंक मत करें। और जहां तक बात है इंसानियत का और जानवरों की अच्छाई का बुराई का, तो अगर जिस तरह कि आपने बोला कि रमजान आया तो रोजे रखो तो गुनाह माफ हो जाएंगे, उसके अलावा आप कुर्बानी करो,
आप उनके एक्चुअल मीनिंग समझेंगे, उसके पीछे उनकी मीनिंग इंटरप्रिटेशन क्या है। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े से बड़ा जानवर कुर्बान करें, जैसा कि हमने सुना है सॉलिटो से कि बड़े से बड़ा जानवर होगा उसके ऊपर आप सिरात मुस्तकीम को पार कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुर्बानी का मतलब ये है कि आपके अंदर ये चीज हो कि आपने अपने निचला तबका है उसके साथ सिला रहमी कैसे करनी है, उसको जो सारा साल उन बेचारों को जो चीजें खाने को नहीं मिलती तो वो चीजें खा सके। लेकिन उस मीनिंग को तो हटा भुला दिया। अब आपका मतलब ये कि भाई कुर्बानी करना लाजमी है, चाहे आप चोरी का पैसे से करो, चाहे आप फ्रॉड करो, जबकि इस्लाम तो नहीं सिखाता कि आप कोई काम करो। और जो आप पांच वक्त की नमाज इबादत के लिए आप कहते हो इबादत, अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत इसलिए कहा है कि इंसान जब इबादत करता है पांच वक्त तो उसको पता है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने चोरी नहीं करनी, उस जगह पे वो चोरी की जगह पे नमाज नहीं होती, चोरी के पानी से इजाजत के बगैर आप वजू नहीं होता आपका, आप हक खा के आए तो आपकी इबादत नहीं होती। तो जब इंसान को ये डर होगा कि मैंने घंटे बाद दो घंटे बाद जब मैं अपनी असर की नमाज अदा करने जाऊंगा या मैं अपनी इशा की नमाज पढ़ूंगा तो मैं किस मुंह से जाऊंगा अगर मैंने उससे पहले मैंने किसी पे जुल्म किया और मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होऊंगा, तो वो मीनिंग तो आप फॉलो नहीं करते आप लोग। और आप ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ वो जो एक एक प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो आप इबादत कह रहे हैं, तो ऐसी इबादत तो अल्लाह मुंह पे मार देगा इंसान को। तो आप जो भी आपके बिलीव हैं अगर आपके अंदर टॉलरेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, आप अपनी मर्जी की सोच को या अपनी एक एवरेज सोच को आप उसको रिलीजन से लिंक नहीं कर सकते। हर रिलीजन में कमियां होती हैं लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं गलत हूँ, जो ऐसे ऑन आपके सामने आके बात कर रही हूँ, मेरे हिसाब से मतलब ऐसी लड़कियां नहीं होती और मैं काफी बोल्ड इनफ हूँ अगर मैं ये कहूँ, और मैं शायद हूँ, मैं जहन्नुम में ही जाऊंगी खैर। तो ये हम लोग हम मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हमें किसने ये अथॉरिटी दी है कि हम इतने जजमेंटल हैं कि हम उसे कहेंगे तुम ऐसा करोगे तो ये होगा। मतलब हमें धर्म उस वक्त तक चाहिए जब तक दूसरा उसको परफॉर्म करे। जब हम अपने ऊपर आते हैं तो हम धर्म को फॉलो नहीं करते, हम रिलीजन को फॉलो नहीं करते। जबकि जिस इंसान में एहसास नहीं है ना, वो किसी उसका चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो तो वो मेरे ख्याल से इंसान ही नहीं है। बाकी जब तक आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, आप एक दूसरे को उनके इख्तलाफ राय को एक्सेप्ट नहीं करते, आप इतने जजमेंटल है कि उसने जरा सी गलत बात की और उसे आप कहोगे ये वाजिबुल कत्ल है, इसको मार दो, तो आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं ऐसे। और जहां तक आपने बताया कि वो लोग खुश नहीं है, तो खुश होने के लिए मजहब से ताल्लुक नहीं होता, खुश होने के लिए आपकी इनर पीस होना जरूरी है। और इनर पीस तब आता है जब आप ईमानदार होते हैं अपने घर वालों के साथ, अपनी जात के साथ, अपने इर्द गिर्द के साथ। जब आप इतने ज्यादा आप वो हैं कि ये मतलब दूसरी कम्युनिटी का है इससे नफरत करो, ये दूसरी कंट्री का है इससे नफरत करो, ये दूसरे रिलीजन का है ये बुरा है, जब आप इस तरह की सोच रखेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। और जहां तक आपने बात की कि सदका खैरात नहीं लगता और किसी को नहीं देते, तो पता नहीं तो कहाँ की ये इंटरप्रिटेशन है। मुझे तो खैर मेरे पास तो शायद इतना नॉलेज ही नहीं है, मैं तो जाहिल सी इंसान हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर आपके हमसाए में हिंदू भी रहता हो या कोई यहूदी नसरानी या कोई भी रहता हो, उसके हकूक उतने ही हैं जितने एक मुसलमान के हकूक है। अगर आप उसको परफॉर्म नहीं करते उसके रिलीजन डिफरेंसेस की वजह से, तो आप दिमागी मरीज हैं। आपका जो आप किसी ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हैं जो रॉन्ग इंसान है। बाकी ये कि मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मैं खुद को जाहिल ही समझती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी हदायत दे और आप लोगों को भी हदायत दे, या आप लोगों को भी सही गाइडलाइन मिले। मेरी वीडियो के बारे में आपका क्या रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर करना था और मेरी जो राय है वो देना था, बाकी मेरा किसी किस्म की नेगेटिविटी से और किसी किस्म की जो एक रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम जो मुझे सिखाया गया है मैं वही बात कर रही हूँ, बाकी मानना ना मानना इट्स टोटली अप टू यू। जो जिसका रिलीजन है या जो जिसने फॉलो करना है उसने उसी को फॉलो करना है। गलत लोगों की वजह से एक रिलीजन को गलत कहना गलत बात है। दुनिया अगर टॉलरेंस के साथ नहीं चलेगी तो ये दुनिया बहुत जल्दी एंड हो जाएगी और उसका कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद करती हूँ कि मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हो सके तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।